हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद ओएसपी। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ उत्तराखंड अपने गांव आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो काफ़ी ठंड है। सवेरे का टाइम है और अभी हम मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं। वैसे धूप भी इधर खिल गई है, अच्छी धूप आई हुई है। तो आप वीडियो के साथ बने रहे हैं, दिखाते हैं आपको कि गाँव में क्या क्या एक्टिविटीज़ लोग यहाँ पर करते हैं। तो बने रहिए। और एक गांव का बैक साइड की तरफ से गांव ऐसा लग रहा है। और ये ऊपर सुंदर चीड़ के पेड़, गांव का नज़ारा। लोग सवेरे से ही अपने काम धंधे पे लग गए हैं और हम लोग तो वॉक के लिए निकल पड़े। और यहाँ से गांव का व्यू अलग ही, और सामने ऊपर चोटी पे ये दीवा का मंदिर है। और ये दीवा का मंदिर भी जो है वो गांव वालों ने बनाया, और दीवा माँ का यहाँ पर मंदिर बनाया और इसकी काफ़ी मान्यता है। और हर 5-6-7 साल में जो है एक बड़ी पूजा जो है वो दीवा की होती है। तो उस समय सारे गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और दीवा माँ का जो है वो पूजा अर्चना भजन कीर्तन करते हैं। और ऊपर जो सामने नज़र आ रहा है वो भी गांव है, उसको कहते हैं कुंज। और ये भी जो है पार्ट ऑफ इसी गांव का है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। काफ़ी सुनसान नज़र आ रहा है ये जगह, और इतना पीसफुल एरिया ये है कि मन की शांति के लिए आप जंगल की तरफ आ जाओ। चीड़ के हरे भरे पेड़ मन को मोह लेते हैं, बहुत ही पीसफुल। शहरी वातावरण से थोड़ा सा हटके कुछ दिनों के लिए अगर आदमी पीस चाहता है तो गांव की तरफ आ जाए, इन उत्तराखंड में अपने गांव की ओर। तो यहां पर काफ़ी पीस मिलता है। हाँ, सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन आदमी जो है वो मैनेज कर लेता है। और ये जंगल का सुंदर व्यू यहाँ से नजर आ रहा है। ये सारे चीड़ के पेड़ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये गांव का स्टेशन, ये लास्ट स्टेशन है, यहीं पे ये गाड़ियां खड़ी होती हैं। कोई भी अगर बाहर से आता है तो यहां पर गाड़ी खड़ी करके, और इसके बाद जो है ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है गांव के लिए। और अच्छा ये रास्ता बन रखा है यहां पर, और सामने ये बैठने के लिए बेंच भी रखे हुए हैं कि अगर कोई इंतज़ार करे तब तक ऊपर से अगर सामान लेने के लिए कोई आता है। और अब हम चल रहे हैं गाँव की ओर, चढ़ाई है यहाँ पर, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। और जैसे कि हम गांव में बताते हुए आ रहे हैं आपको कि क्या क्या गांव में हम देख रहे हैं, तो यहां पर हमने देखा कि ये
पौधा है और इसमें जापानी टमाटर लगे हुए हैं। हमने पूछा इनसे तो उन्होंने कहा ये जापानी टमाटर हैं और ये थोड़े से खट्टे होते हैं और चटनी इनकी जो है वो बहुत बढ़िया जो है वो चटनी बनती है इनकी, तो बहुत ही, और वैसे भी देखने में भी बहुत जो है वो सुंदर लग रहे हैं कि कितना बढ़िया ये पेड़ और इस पे ये टमाटर। हमें तो यकीन नहीं आ रहा था पहले कि ये जो है वो टमाटर हैं, लेकिन जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो है जापानी टमाटर हैं। और ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये फूल लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये गुब्बारा फूल हैं, कि गुब्बारे टाइप के फूल इसमें लगते हैं। तो ये देखिए कैसे फूल रखे हैं, ये वाकई में ये गुब्बारा जैसे लग रहे हैं। तो यूं ये जो बच्चे हैं जी माँ कक्ष हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जैसा कि अभी हमने ये बछिया देखी और इनसे पूछा कि इनकी माँ कहाँ है, तो इन्होंने कहा वो घास चरने के लिए जंगल गई हैं और बछियाँ जो है वो यहीं पे धूप सेक रही हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इनको बोलते हैं गढ़वाली में खुम्ब, और ये खुम्ब क्या है कि जब खेतों से गेहूं या इनकी जो घास निकलती है तो उसको इकट्ठा करके इसमें डंडे के सहारे इसको बांध दिया जाता है और फिर ये बाद में जो है स्टोर करके इसको गाय भैंसों को जो है वो खिलाया जाता है। तो ये खुम्ब हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और ये आप देख रहे होंगे कि ये गौशाला है और एक गौशाला जो है वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, यानी टूटने पे आ गई है, टूटी गई लगभग। जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं वो चले गए हैं, तो इस ढंग से उनका मकान लगा लो चाहे आप गौशाला लगा लो, ये हालत यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये पानी की टंकी और साथ में जो है ये बरातघर है, लेकिन अभी इस कंडीशन में नहीं है कि यहाँ पर शायद कोई ठहरता होगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं और ये पानी की टंकी, यहाँ पर ये पानी स्टोर होता है और यहाँ से जो है वो गांव में आगे जो है वो सप्लाई की जाती है। और यह माल्टे का पेड़, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने सारे माल्टे लगे हुए हैं और ये बहुत ही खट्टे मीठे टाइप के होते हैं। और ये मीठे करेले और इसकी जो है बहुत बढ़िया जो है वो सब्जी बनती है, आलू मूली और करेले। ये मीठे करेले हैं, कड़वे वाले नहीं है। ये एक ही बेल पे जो है इतनी सारी लौकी लगी हुई है और बेल अब सूखने के कागार पे है। और ये सामने जो है वो बीज के लिए, जब ये पक्की हो जाएगी तो इसमें जो है वो बीज आगे के लिए काम आएंगे। आ जा निकट था राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी, विकास खंड थलेसर, जिला पौड़ी गढ़वाल, स्कूल है पोखरी गांव की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।